हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलबर खान है। इस वीडियोस में मैं अपने व्यूवर्स को कुछ मैसेज देना चाहता हूं। तो देखिए, ये मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसमें जाकर के आप लोग नेटवर्किंग के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो वीडियो के थ्रू आप लोग उन चीज़ों को पढ़ सकते हो, जिसमें आपको एक सब्सक्राइब करके एक बटन दिया गया है जिसको क्लिक करके आप लोग मेरे द्वारा की गई अपलोड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सारी अपने अकाउंट में, अपने ईमेल अकाउंट में भी ले सकते हो। इसके अलावा मैंने एक ब्लॉग बनाया है, ब्लॉग के ऊपर मैंने वो सारी वीडियोज़ अपलोड करी हैं जिनमें से आप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। इनमें आप जो भी वीडियो को देखना चाहते हो उसके ऊपर जस्ट क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद वो वीडियो आपके सामने प्ले होगी। जो भी चीज़ रीड करना चाहते हो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, देन थैंक यू। तो क्लास पिछले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने एक टनल क्रिएट करी जिसके ऊपर हमने आईपी एड्रेस दिया 1.0.0.1 और इस साइड हम लोगों ने टनल के ऊपर आईपी एड्रेस दिया 1.0.0.2। तो यहाँ पे राउटर टू राउटर हमारी पिंग चलनी शुरू हो गई है। बट ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि हमारे जो ये राउटर्स हैं ये राउटर टू राउटर नहीं बल्कि हमें पीसी टू सर्वर या पीसी टू पीसी कनेक्शन बनाना होता है। तो अब इसी चीज को और थोड़ा डीपली समझते हैं और इसी हिसाब से इस टोपोलॉजी को मॉडिफाई करते हैं। पहले मैं इन चीजों को हटा देता हूं, ये लीजिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा और डीपली समझेंगे। उसके लिए सबसे पहले मान के चलिए ये जो हमारा नेटवर्क है ये हमारे लोकल ब्रांच के अंदर एक राउटर पड़ा हुआ है और ये जो राउटर है हमारे नेटवर्क में और कहीं पे रास्ते में लगाए गए राउटर्स हैं जो कि यहाँ से हमारे नेक्स्ट ब्रांच तक पहुंचाएंगे हमें। तो ये मान के चलते हैं कि भी ये आईएसपी के राउटर्स हैं, ये जो रास्ते में आने वाले सारे राउटर हैं, और ये जो हमारी लोकल ब्रांच का एक राउटर है, इसको थोड़ा डिजाइन देते हैं ताकि तो क्लास अब मान के चलते हैं ये जो मेरी आईएसपी है जिसके ऊपर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है आपस में काम कर रहे हैं और इस साइड मेरा सर्वर रूम है या रिमोट साइड जो है ब्रांच है और ये मेरी लोकल ब्रांच है। तो अब मुझे क्या करना है इसमें, लाइक मैंने एक स्विच लगाई यहाँ पे, हम लोगों ने कुछ कंप्यूटर्स प्लग कर दिए इस ब्रांच के अंदर, ये हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं और इनके थ्रू हमने क्या किया यहाँ पे एक स्विच लगा रखी है। पहले मैं नॉर्मली एक नेटवर्क बना रहा हूँ छोटा सा, अभी इस स्विच तक कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने केबल लगा दी। तो ये लीजिए हम लोगों ने केबल्स प्लग कर दिए हैं। अब मैं चाहता हूं कि दूसरी साइड जहां पे रिमोट साइड पे ये जनरेटिंग एक सर्वर लगा हुआ है यहां पे, तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी ब्रांच है, ये मेरी लोकल ब्रांच जो है वो वीपीएन के थ्रू इस सर्वर को भी पिंग कर पाए। जब ये नॉर्मली अगर मतलब पिंग करना चाहे सर्वर को तो वो इसके लोकल यानी कि वीपीएन के थ्रू ही फाइल ट्रांसफर हो, ना कि हमें जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ये वाला जो नेटवर्क है इसके थ्रू जाना पड़े। तो नॉर्मली तो वैसे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस देना होगा। चलिए हम लोग आईपी एड्रेस दे देते हैं, एक यूनिक नेटवर्क आईडी लाइक 10 हम लोगों ने यूज करी हुई यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 और यहाँ पे हम लोग 50 यूज कर लेंगे इस साइड, लेकिन मैंने यूज कर लिया 50.0.0.0 और इस साइड हम लोग यूज कर लेंगे 60। तो हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि आईपी एड्रेसिंग ऐसी होगी। अब मुझे क्या करना है इनके ऊपर आईपी एड्रेसिंग करनी होगी, पहले मुझे इस डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस करना है, दैट इज 60.0.0.0 दे देते हैं और मेरा गेटवे 60.0.0.100 दे देते हैं। तो ये डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है, अब मुझे वैसे ही इन डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। क्लास इसमें मैं प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने के लिए डीएससीपी इनेबल कर रहा हूं ताकि मेरा नेटवर्क जल्दी से अप हो जाए। तो मैं सीएलआई मोड में गया, इनेबल देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाकर के मैंने कमांड लगाई आईपी डीएचसीपी पूल, देन पूल नेम कुछ भी दे देते हैं एचसीएल, देन एंटर नेटवर्क जो भी हमने डिसाइड किया था 50.0.0.0, देन 0.25 सॉरी सबनेट मार्क्स देना होगा हमें यहाँ पे, क्लास बी होने की वजह से ये सबनेट सॉरी क्लास ए ही है तो हम लोग ए क्लास का ही सबनेट देंगे। तो हमने सेट कर दिया, उसके बाद डिफॉल्ट राउटर हम लोग सेट कर देते हैं 50.0.0.100। तो ये चीजें हम लोगों ने सेट कर दी हैं। अब हम लोग इंटरफेसिंग भी कर देते हैं, इस लिंक को अप कर देते हैं ताकि आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवा पाए। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस कौन सा 50.0.0.100 और उसके बाद उसका सबनेट, देन नो शटडाउन। तो ये भी मैंने नेटवर्क अप कर दिया और इस साइड का भी नेटवर्क अप कर देते हैं तब तक। तो इनेबल किया, देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल, देन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0,
देन आईपी एड्रेस 60.0.0.100, क्योंकि उस साइड आपने गेटवे ये चीज सेट की रही थी राउटर पे, इस वजह से सॉरी कंप्यूटर पे गेटवे ये सेट किया था। तो राउटर्स के ऊपर मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दी है और मैंने इन डिवाइसेस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर दी है। तो क्लास अब हमें क्या, हम लोग चाहते हैं कि भी हमारा ये जो नेटवर्क है ये नेटवर्क इसके साथ कनेक्ट हो थ्रू वीपीएन। बट नॉर्मली अगर आप लोग काम करते हो इसको, आप लोग रूट से इसके एडवर्टाइज कर देते हो, जैसे इसके ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है, इस लिंक के ऊपर ओएसपीएफ चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके ऊपर ओएसपीएफ चला देंगे। उसके बाद हमारा ये जो डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल ये सेकेंड नेटवर्क है, इसके ऊपर भी ओएसपीएफ चला देंगे तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे, बट वहां पे वीपीएन की कोई इंपॉर्टेंस ना रही। बट अब हम लोग चाहते हैं कि नेटवर्क अच्छे से काम कर पाए, तो सिंपल मैं आपको पैटर्न बता देता हूँ। आप क्या करिए, ये जो आपकी पूरी आईएसपी किसी भी एक प्रोटोकॉल के ऊपर चल रही है, फॉर एग्जाम्पल आईएसपी ने हमारा प्रोटोकॉल जो यूज करा है दैट इज ओएसपीएफ, यहाँ पे जो यूज हो रहा है पूरे नेटवर्क के अंदर ओएसपीएफ, और नीचे जो हम लोगों ने, जैसे हम लोग क्या करेंगे हमारे इस नेटवर्क के साथ इस साइड हम लोग कोई भी एक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप चला देंगे, और दूसरी साइड हम लोग यहाँ पे भी रिप चला देंगे, इस साइड भी हम लोग रिप इनेबल कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो टनल है, हम लोगों ने जो टनल क्रिएट करी थी यहां से लेकर के इस डिवाइस तक, जो हम लोगों ने टनल क्रिएट करी थी उसको भी हम लोग सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यानी के रिप के ऊपर चला देंगे, जिसके बाद क्या होगा हमारा जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली बन पाएगा। हम लोग यहां से क्या करेंगे, एक टनल क्रिएट जो करी रखी है ऑलरेडी मैंने पहले से ही, तो वो टनल को हम लोग इसको भी हम लोग रिप के ऊपर चला देंगे। रिप के ऊपर चलाने से क्या होगा, मतलब मेरा बाकी सारा नेटवर्क ओएसपीएफ के ऊपर चल रहा है और हमारी जो टनल है उसको भी हम लोग रिप के ऊपर इनेबल कर देंगे। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा कि ओएसपीएफ में कोई भी रिप का रूट नहीं रहेगा, क्योंकि हमने कोई रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं किया और ना ही रिप में किसी ओएसपीएफ का, ओएसपीएफ में रिप का। तो इस तरीके से आपका ये लिंक डायरेक्ट बन जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं इस राउटर के ऊपर। पहले चेक करते हैं डू शो रन की कमांड से कि क्या क्या कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो यहाँ पे मैं जस्ट मेनली आपको दिखाना चाहता हूँ ओएसपीएफ। ओएसपीएफ में इस लिंक को एडवर्टाइज कर रखा है, ओएसपीएफ में लिंक को एडवर्टाइज किया है 10. को, लेकिन इसमें ना तो 1. को एडवर्टाइज करा है और ना ही 60 को। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं राउटर रिप एंटर देन वर्जन 2, उसके बाद नेटवर्क कौन सा 1.1.1.0, क्योंकि मैंने सबनेटिंग यूज करके डाला था इसको एंटर। देन उसके बाद नेटवर्क कौन सा नेटवर्क 60.0.0.0, तो ये वाला नेटवर्क आपने एडवर्टाइज कर देना। उसके बाद नेक्स्ट जो एडवर्टाइजमेंट होगी वो इस राउटर पे होगी, आपको रिप सेंटर वाले राउटर पे नहीं लगाना। तो इस राउटर के ऊपर जब आप लोग जाकर के कमांड लगाओगे डू शो रन, तो इसमें भी आपको सेम चीज नजर आएगी। यहाँ भी जो आपके ओएसपीएफ के अंदर रूट है वो सिर्फ इस लिंक के हैं जो कि आईएसपी यूज कर रही है 40 वाला, ना कि आपके लिंक के और ना कि आपकी टनल के। तो अब हमें यहाँ पे भी सेम प्रोसेस करना है, यहाँ पे लिखना हमें राउटर रिप देन नेटवर्क, वर्जन बाद में लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे 50.0.0.0 देन वर्जन 2 लगाई देते हैं, वर्जन 2 देन उसके बाद नेटवर्क 1.1.1.0। तो ये लिंक हम लोगों ने एडवर्टाइज कर देनी है। अब जब भी आप लोग यहां से पिंग करने की कोशिश करोगे यहां तक, चलिए देखते हैं ट्राई करते हैं, तो फर्स्ट टाइम तो फेल्ड ही होगा। सॉरी आईपी एड्रेस भी नहीं हमने ऑब्टेन किया यहां पे, इन डिवाइसेस के ऊपर हमें आईपी एड्रेस ऑब्टेन करना होगा। लीजिए अब सर आप लोग ट्राई करते हैं यहां से यहां तक, तो फर्स्ट टाइम फेल जाएगा और आप देख सकते हो कि सक्सेसफुली पिंग हो चुकी है। अब अगर आप लोग यहां से यहां तक जाना चाहो तो पिंग चल रही है, हालांकि इस सेंटर वाले राउटर पे आप चेक करोगे कमांड इनेबल में जाकर के शो आईपी रूट में आप चेक कर सकते हो, ना कोई 1.0.1.1.0 वाला है, ना कोई 50 वाला है और ना कोई 60 वाला, कोई भी रूट इस राउटर को नहीं पता। और इस राउटर के ऊपर ना ही कोई रिप प्रोटोकॉल चल रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ओएसपीएफ है। तो यहाँ पे टनल बन गई है जो कि सीधा एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। अगर आप इस राउटर से सॉरी इस डिवाइस से यहां तक ट्रेस करोगे रूट से, चलिए ट्रेस भी करके देख लेते हैं। पहले हम लोग पिंग करते हैं उस तक सर्वर तक जिसका आईपी एड्रेस है 60.0.0.1,
तो पिंग चल रही है वहां तक डायरेक्टली, हालांकि वो इसमें हमें वो रूट एडवर्टाइज भी नहीं हुआ। फिर हम लोग करते हैं ट्रेस आर टी डेट इज 60.0.0.1 और एंटर प्रेस करेंगे तो हम लोग देख सकते हैं कि जो रूट जो रिसीव हो रहे हैं दोनों साइड सिर्फ इसी के हो रहे हैं। तो रूट जो डायरेक्ट यहां से जा रहा है, मतलब ये पीसी की रिक्वेस्ट, पहली रिक्वेस्ट जो जा रही है वो 50.100 पे, जो कि हमारा ये वाला इंटरफेस है। फिर हम लोग नेक्स्ट जो जा रहे हैं 1.1.1.1 पे, जो कि ये वाला राउटर है। उसके बाद रिक्वेस्ट जा रही है 60.1 पे, जो कि ये वाली डिवाइस है। तो इसमें पूरे इस नेटवर्क को हमने टर्न कर दिया थ्रू वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क साइट टू साइट वीपीएन, जिसको आप इंटरनेट वीपीएन भी कह सकते हो। ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सीसीएनए या सीसीएनपी में से, जिसको का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वीपीएन। एनी डाउट एनी क्वेश्चन? तो ये थी वीपीएन का प्रैक्टिकल।